हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीम्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के थीम पर वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये स्वीट और ड्राई फ्रूट्स का डब्बा का कवर ले लिया है। ये जो हमारे पास दिवाली में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स आए थे, तो उसी में से एक का डब्बा है। ये इतना सुंदर है कि मुझे बिल्कुल ही फेंकने का मन नहीं होता। और इसके ऊपर जो कुछ पॉलीथीन वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए हैं। इसे मैं एक सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने इस डब्बे का और वेडिंग कार्ड, वो भी हमारे अभी जैसा कि वेडिंग सीजन चल रहा है तो हमारे पास बहुत सारे वेडिंग कार्ड भी आके पड़े हुए हैं, जो कि इतने सुंदर होते हैं कि हमें फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैं उससे कुछ, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये जो हमारा डब्बा है, डब्बे का कवर है, उसका साइड कॉर्नर थोड़ा वीक लग रहा है मुझे, तो मैं इसके चारों साइड में सेलो टेप मार देती हूँ, जिससे कि इसमें थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आ जाएगी। तो ये मैं, चलिए आपको ये सेलो टेप लगा के दिखाती हूँ। ये इसको चारों साइड से मैंने सेलो टेप मार दिया है, जिससे कि इसके कॉर्नर या साइड से टूटने के डर ना हो। हमारे वॉल हैंगिंग, हमको इसको वॉल में हैंग करना है, तो उसके लिए मुझे थोड़े इसको स्ट्रांगनेस देनी है। तो ये चलिए मैंने ये लगा दिया। और ये मैंने वेडिंग कार्ड ले लिया। ये वेडिंग कार्ड देखिए कितना सुंदर है। और इसका मैंने जो ये ओम लिखा हुआ, जो सुंदर सा ओम लिखा हुआ है फ्लूट के ऊपर, और ओम के अंदर हमारे गणपति जी बैठे हुए हैं, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और मैं इसका यूज़ इस वॉल हैंगिंग में करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसका अंदर वाला जो कवर था वो मैंने निकाल दिया, और ये मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। पहले तरह से मैंने कट कर लिया, और अब इसको ये जो ओम का पार्ट है ये तो पूरा इस ब्रिज में आएगा नहीं, और ये डिज़ाइंस भी थोड़े मुझे अलग दिखाने हैं। तो इसके लिए मैंने जो ये ओम लिखा हुआ है इसके ऊपर, फ्लूट के ऊपर, तो मैं उसको पहले कट कर लेती हूँ उस पार्ट को। और ये सबसे अच्छी बात है कि इस ओम के अंदर गणपति जी भी बने हुए हैं, तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा। और ये मैं इसको पहले ओम वाले पोर्शन को ही कट करके निकाल लेती हूँ। तो चलिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने उसको कट करके निकाल लिया है उसमें से, वेडिंग कार्ड के पोर्शन में से। और इसका जो बॉटम वाला पोर्शन है उसमें से भी मुझे कुछ पार्ट्स चाहिए, तो मैं इसको नीचे वाले पार्ट्स को भी कट कर लेती हूँ। और इस पार्ट पोर्शन में भी मुझे ये जो राउंड वाले फिगर बने हुए हैं श्री और स्वस्तिक का, ये वाले पोर्शन मुझे चाहिए, तो मैं इसको भी कट करके निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये पोर्शन कट करके निकाल लिया, और इस पर मैंने इस तरह से रख के देखा है। हमारे पास कुछ दिवाली क्रिएटिव मटेरियल्स भी पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। शुभ लाभ स्वस्तिक, आपके पास भी कुछ होकर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से, अपने चॉइस के अनुसार। तो ये मैं पहले इस पे ऊपर जो ये मैंने कट किए थे ओम वाला पोर्शन, उस पर गम लगा कर, और इस जो ये कवर का पार्ट है इसके ऊपर मैं इस तरह से मडल में इसको स्टिक कर देती हूँ गम की हेल्प से। ये देखिए, ये हमारा स्टिक हो गया। और ये जो मेरा शुभ लाभ है इसको भी मैं इस तरह से स्टिक कर देती हूँ दोनों साइड में, दोनों कॉर्नर के साइड में। ये आसानी से स्टिक हो जाता है, तो आप भी इसको स्टिक कर सकते हैं। या आपके पास कोई दूसरा मटेरियल हो डेकोरेटिव तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये था, और ये ओम के नीचे मैंने ये डेकोरेटिव मटेरियल में से एक स्वस्तिक भी था हमारे पास, तो वो भी मैंने इसके नीचे स्टिक कर दिया। ये हमें बहुत सुंदर लग रहा है। ये ओम है, ओम के अंदर गणपति जी बैठे हुए हैं, और ये ओम जो है वो फ्लूट के ऊपर है। तो ये मैं ऊपर जो श्री लिखा हुआ मैंने कट किया था उसको मैंने ऊपर स्टिक कर दिया है, और उसको मैं थोड़े से स्टोन वाले डेकोरेटिव मटेरियल्स थे मेरे पास, तो मैंने उसे उसके ऊपर स्टिक कर दिया, थोड़ा डेकोरेट कर दिया।
जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा हो गई। ये देखिए, ये वन बाय वन मैं इस स्टोन से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो मैं इसको डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। ये बड़ी आसानी से स्टिक हो जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा श्री भी स्टिक हो गया और ये बाकी के भी पोर्शन मेरे रेडी हो गए हैं। मैंने बॉटम में भी इसी तरह का स्वस्तिक को स्टिक कर दिया स्टोन के साथ। ये देखिए, अब ये हमारा वॉल हैंगिंग बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स, और इसको मैंने मेरे पूजा रूम में डेकोरेट कर दिया है। और आप चाहें तो आप अपने पूजा रूम में या आपको जहाँ अच्छा हो वहाँ उस पोर्शन को आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक सिंपल से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स बॉक्स का जो कवर था, उस कवर से मैंने ये सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनाया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और रेल बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।